वेलकम दोस्तों, आपका हमारे चैनल पैरानॉर्मल फाइल्स हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आप भूत प्रेत, जादू टोना, पिशाच चुड़ैल, कला जादू और पैरानॉर्मल से रिलेटेड वीडियो देखेंगे। इस चैनल पर हम हर हफ्ते एक स्टोरी लेकर आते हैं, तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहीं मैंने सुना था कि आत्मा होती है और वह अपने आसपास मौजूद हो सकती है। दोस्तों, ये बात लगभग 15 साल पुरानी है। हम विथल पर गांव में रहने के लिए आए थे। ऐसे में यहाँ एक किराए के मकान में रहने वाले थे। पिताजी की नौकरी के लिए हमें हमेशा नई नई जगह पर जाकर रहने का मौका मिला। मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। नया गाँव, नए लोगों को मिलने का अवसर मिलता। ये गांव भी कुछ बहुत बड़ा नहीं था। बीच में गांव और आजू बाजू सारे खेत थे। गांव हाईवे से कुछ 4 मील भर की दरी पर था। सभी यहां किसानी करते थे। यहां एक स्कूल था जिसमें मैंने दाखिला लिया। ये स्कूल गांव से बाहर था, खेतों के बीच में ही था। हम जब से इस गांव में रहन आए थे तब से भूतों के था, इसलिए हम भी उसको मजाक में सुन लेते थे। अब थन चाल हो गई थी। छोटा गांव होने से लोग जल्दी खा के सो जाते थे। कुछ लोग रात को आग जला कर रखते ताकि घर को गर्म रख सके। वैसे उस वक्त स्मार्टफोन नहीं थे और न ही इंटरनेट था। लोगों के पास टीवी के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं था मनोरंजन का। वो अमावस की रात थी, हम भी जल्दी खा के सोने जा रहे थे। तभी बाहर शोर सुनाई दिया, लोग खेतों की तरफ भागने लगे, हम भी पीछे गए। तभी हमारा घर मालिक आया और बोला, बाबू कोई गहरा संकट प्रश्नवाचक चिन्ह किया हुआ है वहाँ। बात तम पहे ले रखे हो, नहीं समझ विश्वास नहीं होगा तम। तभी वहाँ किशन राम आया। किशन राम घर मालिक के खेतों पे काम करता था। आके बोला, पुजारी ने सपने में कुछ देखा और सारे गांव का चक्कर लगा रहा है। सारे गांव को मंत्रों से बौद्ध दिया है उसने। मेरी तो नींद उड़ गई थी। क्या ऐसे भी कुछ होता है, मतलब मंत्रों से गांव को बांधना? सुनने में भी अजीब लगता है, लेकिन बाहर आकार देखा तो न मानते हुए भी यकीन करना पड़ा। देखा कि दूर खेतों में से जलती आग जा रही थी। सब लोग डरे हुए थे, न जाने कल क्या होने वाला था। हम सब वापस घर लौट तो आ गए, पर मन में एक ही सवाल था कि ऐसा क्या हुआ के री को ऐसे करना पड़ा। सुबह सब मंदिर गए तो मैं भी गया। मंदिर के दरवाजे पे देखा कि पुजारी के पास लोग बैठे हैं। पुजारी बार बार पूछे जाने पर एक ही बात कर रहा था, स्कूल स्कूल स्कूल, इसका क्या मतलब है? यही सवाल था सबको। अभी लग रहा था कि पुजारी नहीं बचेगा। डॉक्टर को बुलाने कोई गया था, पर तब तक दे हो चुकी थी। पुजारी नहीं रहा, उसका कोई सगा तो था न, इसलिए कोई उसको देखने आने वाला नहीं था। तो सब ने मिलके उसका आखिरी संस्कार भी कर दिया। उसका क्रियाकर्म करके सब वापस घर पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। सबको एक ही सवाल खाए जा रहा था, स्कूल का क्या मतलब है जो पुजारी बोल रहा। ये जो पुजारी था काफी ज्ञानी था, लोगों की बीमारियां जड़ी बूटी से ठीक करता था। कुछ एक लोगों के भूत भी भगाए थे ऐसा सुना था, इसलिए पुजारी की बात सब मन पे ले रहे थे। उसने जो किया था गांव के भले के लिए था। दिन बीतते गए और पुरानी बातें भूल सब अपने काम में लग गए। गर्मी के दिन थे, शाम को स्कूल में साहब लोगों की पाती थी। मेरे पिताजी भी जाने वाले थे, मैं उनके साथ गया था दाई व बन के। हाँ, पिताजी को बाइक चलानी नहीं आती थी, तो कहीं जाना होता तो मुझे साथ ले जाते। रात बहुत हो चुकी थी, हम सब खाना खा के वहाँ से ना कले चलते चलते किसी ने पुजारी की बात हछेल दी। सब ने उसको हंस के टालते हुए और खाने की तारीफ करते अपने घरों की ओर चल दिए। सुबह जल्दी उठना था स्कूल के लिए, सो मैं भी जल्दी सो गया। सुबह उठे तो और हल्ला था। कल जिसने हम सब के लिए खाना बनाया वो आदमी रात को अपने सामान के साथ स्कूल में सो गया था।
वो मर गया। हमको लगा कि स्कूल में होगा, पर उसकी लाश उसके घर के छत पे मिली। वो वहाँ कैसे पहुँचा पता नहीं। पुलिस आई, खोजबीन करने के बाद सब चले गए। इधर स्कूल के मेन गेट के नीचे वाली सीढ़ी पे खून से लकीर खींची हुई थी, किसी ने जानबूझ के किया हो। एक रोज हम सब शहर गए थे, मेरे छोटे भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बस स्टॉप पे रात को आखिरी बस आके रुक गई। हम लोग वहाँ उतर कर कुछ 4 मील पैदल जाने वाले थे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं था, हम पहले भी यहाँ उतर कर पैदल गांव तक जा चुके थे, पर आज बारिश हो रही थी, बिजली नहीं थी। यहाँ बिजली जाना बहुत आम बात थी। पिताजी ने छोटी टोर्च सामने पकड़ के मुझे मेरी माँ को चलने को कहा। हम सब पिताजी के पीछे चल रहे थे। अमावस की रात थी और मुझे याद है जब पुजारी मरा था वो भी अमावस की ही रात थी। कहते हैं कि अगर अमावस की रात और रात की कुछ भाइयों का बहुत गहरा संबंध होता है, इसी में भूत पिशाच बहुत ताकतवर होते हैं। अपनी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने वो निकल जाते हैं और उनके रास्ते में जो आड़े आता है उनको वो नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये सब बातें सुनी सुनाई है, मेरी दादी भी ऐसे ही हम सबको कहानियों में सुनाती थी। तो अंधेरे में रास्ता निकलते हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ता कीचड़ से भरा था, शायद रास्ते का काम चालू था। स्कूल आते ही पिताजी चौंक गए। माँ ने पूछा क्या हुआ, पिताजी धीरे से बोले वो देख, आवाज मत कर। देखा कि एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई किसी की रूह थी, वो जमीन के ऊपर जैसे तैर रहा था, वो पैर नहीं दिख रहे थे। जैसे ही वो हमारे पास आया उसको देखते ही मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा इतना भयानक था कि सांसें अटक गई मेरी। माँ पिताजी साथ में थे इसलिए शायद मैं होश में था, वरना मैं तो मर ही गया था। लगा कि हम सब अब मरने वाले हैं। पिताजी माँ भगवान का नाम ले रहे थे। छोटा भाई रो रहा था और मैं भी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम आगे जाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से जैसे तैसे भाग जाए, पर जा नहीं पा रहे थे। हमको बांध दिया था वहाँ। हम सब चीख रहे थे पर उस अंधेरे में हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। आगे जैसे मौत देख रही था। थोड़ी देर में हमारी चीख भी निकलना बंद हो गई। अचानक सब शांत हो गया था और बिजली आ गई। रास्ते की बत्तियां जल चुकी थी। हम सब की जान में जान आई, शायद भगवान ने हमारी सुन ली। वैसे ही वो आमा स्कूल की तरफ चली गई। हमने भगवान का शुक्रिया किया और वहाँ से गांव की तरफ चल दिए। गांव में पहुँचते ही सारी हकीकत घर मालिक को बताए। लोग भी जमा हुए थे। शायद हमारी मौत नहीं आई थी इसलिए हम सब बच गए थे। भूतों के बारे में कोई बताए तो सब उनपे हंसते हैं, यकीन कोई नहीं करता। वैसे ही हाल आज हमारा था। हम सबको सब कुछ सही बता रहे थे तो कोई हंस रहा था और कोई हम सबको डरपोक कह के मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जो हमारे साथ हुआ ये हम ही जानते हैं। अगले ही साल मेरे पिताजी का वहाँ से तबादला हुआ। पास के शहर में हम सब ने सामान बांधना चालू किया। मेरे सारे पुराने दोस्त मुझे अलविदा कहने आए थे। रोते हुए मैंने सबको अलविदा कहा और सामान से भरी गाड़ी वहाँ से निकली। हम सब ने उस स्कूल को आखिरी बार गाड़ी से ही देखा और उस जगह को भी जहाँ हमारे साथ वो घटना हुई थी। हम सब ने अपनी आंखों से मौत को करीब से देखा था। वो रात हम जब भी याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और भी मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल पैरानॉर्मल फाइल्स हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करें।